बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को मेलानिया के तलाक लेने का खौफ न था, वकील का दावा। न्यू मरी पटियाला चेयरलिफ्ट केबल का 10 माह से बंद, 1500 से जायद खानदान बेरोजगार हो गए। MS धोनी के लिए मंदिर बनाए जाएंगे, वो चेन्नई के भगवान हैं, एम्बटी राइटो। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील माइकल कोहन ने दावा किया है कि स्टॉमी डेनियल्स स्कैंडल मंजर आम पर आया तो ट्रंप को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि मेलानिया ट्रंप इन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। अपने बयान में वकील माइकल कोहन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा फिक्र ये थी कि 2016 स्कैंडल का इलेक्शन की इंतहाबी मुहिम पर क्या असर पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माइकल कोहन वो शख्स थे जो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल दूर करने में पेश रहे। ताहम अदालत में पेशी के मौके पर वो अहम गवाह के तौर पर सामने आए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माइकल कोहन ने डोनाल्ड ट्रंप को स्टॉमी डेनियल्स के साथ अफेयर के मामले पर पर्दापोशी के लिए रकम देने में मुलव्वज़ ठहराने की कोशिश की। केबल कार 10 माह से बंद, TDCP की नाकिस मैनेजमेंट की वजह से केबल कार ठीक ना हो सकी। पिछले 10 माह से केबल कार की मुरम्मत का काम जारी, मगर ताहाल केबल कार ठीक ना हो सकी। पटियाला टॉप पर 1500 से ज़ायद लोग कारोबार करके अपने ख़ानदान और बच्चों की परवरिश करते थे, मगर जब से केबल कार बंद है तमाम लोगों का रोज़गार भी बंद हो गया है। गरीब लोगों के घरों पर नौबत फाकों तक आ पहुंची है। पटियाला टॉप पर कारोबार करने वाले तमाम लोगों की हुकामे बाला से अपील कि जल्द अज जल्द केबल कार को मुरम्मत करके सयाहों के लिए खोला जाए। 10 माह से TDCP इंतजामिया केबल कार की मुरम्मत करके बहाल ना कर सकी, जबकि सयाह भी केबल कार ना चालू होने ना की वजह से मायूसी का शिकार नजर आते हैं। सयाहों का कहना है कि पहले 1000 में चेयरलिफ्ट और केबल कार दोनों से लुत्फानंदोज होते थे, अब 1000 में सिर्फ चेयरलिफ्ट की ही सैर होती है। ज़्यादातर सयाह केबल कार से मरी की बुलंद पहाड़ियों का नज़ारा करते थे, जिससे अब वो महरूम हो गए हैं। हुकामे बाला से और TDPC इंतजामिया से अपील है कि जल्द केबल कार को चालू किया जाए, जो कि मुल्क के लिए एक बेहतरीन आमदन का जरिया भी है और सयाहों की न्यू मरी दिलचस्पी का बाइस भी। इंडियन सुपर लीग 2024 में CSK चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी एम्बटी राइटो ने कहा है कि मुस्तकबिल में MS धोनी के लिए मंदिर बनाए जाएंगे। MS धोनी चेन्नई रियासत के भगवान हैं। याद रहे कि भारतीय रियासत चेन्नई में पहले ही मशहूर अदाकार रजनीकांत और खुशबू समेत कई मशहूर शख्सियात के मंदिर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ी है। ताहाल चेन्नई सुपर लीग किंग 13 में से 7 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर एम्बटी राइडो ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि चेन्नई में MS धोनी के भी मंदिर बनाए जाएंगे, क्योंकि इनकी गुज़श्ता बरसों में भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कारकर्दगी बेहतरीन रही है। एम्बटी राइडो का MC धोनी की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए मजीद कहना था कि धोनी भारत और चेन्नई के शायकीन के लिए खुशी लेकर आए हैं, वो चेन्नई के खुदा हैं और मुझे यकीन है चेन्नई में आने वाले बरसों में MS धोनी के भी मंदिर बनाए जाएंगे। क्रिकेटर एम्बटी ने कहा कि MS धोनी वो शख्स है जिसने भारत को 2 वर्ल्ड कप और चेन्नई को बहुत सारे IPL और चैम्पियन लीग टाइटल जितवाए हैं। DTVNN से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स DesiTV USA, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। दीवाना बनाना।